हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 4 जुलाई और आज भी हमारा डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपन जिम से स्टार्ट करेंगे दिन की। और आज एक बहुत जरूरी गुड न्यूज़ मिली है और गुड न्यूज़ आपको बताऊंगा आगे क्या है। लेकिन गुड न्यूज़ में ऐसी है कि उसमें जब खुश ज़्यादा होना चाहिए कि सैड ज़्यादा होना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बताता हूँ मैं वो आराम से। तो अभी पहले जिम चलते हैं। तो गाइस, पहुँच चुका हूँ जिम। आज देखता हूँ अगर चेस्ट में ज़्यादा भीड़ ना रहे तो आज चेस्ट वर्कआउट करने का सोचा हूँ। अब वो तो जाकर ही पता चलेगा कि कितना फ्री है कितना नहीं है। ज़्यादा भीड़ रहती है तो फिर अच्छे से एक्सरसाइज हो नहीं पाता है, सब लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं या फिर बहुत सारा भीड़ रहता है तो कंफर्टेबल नहीं होता वैसा वर्कआउट करना। तो देखता हूँ पहुँच गया मैं। देखिए आज ट्यूजडे है और आज भीड़ कम हो चुकी है, मंडे ही ज़्यादा भीड़ रहता है। भाई सॉन्ग हो चुका है और जैसे कि मैं बताया था मंडे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, आज कल की भीड़ के मुकाबले आधी हो गए हैं। तो आज वर्कआउट कर सकता मैं चेस्ट में, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो हालत ख़राब हो गया, ज़्यादा ही हैवी वर्कआउट कर दिया हूँ। अच्छा लग रहा है लेकिन स्ट्रेंथ वापस आ गई है थोड़ी सी, ज़्यादा वेट थोड़ा उठा पा रहा हूँ पहले से। तो अभी चलते हैं रूम। आज का वर्कआउट भी अच्छा रहा, चेस्ट वर्कआउट करने से मतलब मेरा फेवरेट वर्कआउट है एक चेस्ट वाला करने से, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेंथ एक्चुअली पता चलता है कितना आप वेट उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं रूम, लंच के लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं, फिर से स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। तो वैसे मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड वापस से, यहाँ तो कर रेडी हो गया। और कल रात को बहुत सारे किस्से हुए आपको बताता हूँ। पहले तो क्या हुआ, मैं जब घर गया शाम को तो वहाँ पर देखता हूँ कि दरवाजे के पास एक बड़ा सा बिच्छू था, इतना बड़ा मतलब 15 सेंटीमीटर लगभग उसका लेंथ रहा होगा, उतना बड़ा मेरे गेट के पास पहुँच गया था। इसीलिए मेरे को ये रूम चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बाद हुआ कि बालोद में आ गया था हाथी, एक हाथी था जो मेरे घर के पीछे डैम है, तांदुला डैम है जो तांदुला नदी पर बंधा हुआ है, उसके पास एक हाथी आ गया था बड़ा सा। तो रात भर उसको मतलब वहाँ से हटाने के लिए या भगाने के लिए पुलिस वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे, फिर वन विभाग वाले लोग भी। तो ऐसा कुछ किस्सा हुआ बहुत सारा कल रात में, इतना सारा किस्सा हो गया। को जाना था अमित सर का पास का पता करने के लिए, तो कल रात ऐसे गुजरी है। और उसके बाद अब बस हो गया है टाइम, बस आ ही रहा होगा। तो मैं पास पता कर लेता हूँ अमित सर का, कोई पास बनाने के लिए दिए थे। यहाँ पर दादा ट्रेवल्स का ऑफिस है लेकिन ऑफिस में तो लग नहीं रहा है कोई, है ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। चलिए मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद अब चलते हैं बस से। आज सुनाई सर पहले ही जा चुके हैं, मॉर्निंग ड्यूटी थी आज उनकी, कुछ काम था उनको, तो मैं अकेले जाऊंगा। हो सकता है बीच में अमित सर मिल जाए मुझे बस से। तो पहुंच गए हूँ मैं स्कूल। अभी प्राइमरी और मिडिल की क्लासेस चल रही हैं, हम लोग थोड़े पहले आ जाते हैं, टीचिंग स्टाफ को थोड़ा पहले आना पड़ता है। इधर लैब्स हैं हमारे,
सबसे ऊपर लाइब्रेरी है, फिर नीचे कंप्यूटर लैब, नीचे सबसे नीचे में है केमिस्ट्री लैब और बायो लैब, और उसके ऊपर है फिजिक्स लैब। अरे हमारे स्कूल का मेन बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इसके पीछे भी है, यहाँ क्लासेस लगती हैं। यह है पार्किंग एरिया। ये हमारे पुरुषोत्तम भैया हमारे यहाँ के वॉचमैन कूलर पर पानी डाल रहे हैं। दोस्तों जिस बस कवरिंग बात किया था मैं वो इनके तरफ से है। ये हमारे सौरभ सिन्हा सर। हेलो। तो ये इनके तरफ से कुछ खुशखबरी है, क्या कुछ खुशखबरी यही बताएंगे। बताओ सर क्या कुछ खुशखबरी है। खुशखबरी ये है दोस्तों कि एक जगह टीचर पे हो गया मेरा टीचर है। इनका सिलेक्शन हो गया एक टीचिंग मतलब टीचर के पोस्ट पर, मैथ टीचर के पोस्ट पर, जिन जो हम लोग को ये छोड़कर जाने वाले हैं। आज इनका आखिरी डे है हमारे। आते रहूँगा ऐसा नहीं है। तो वही है जा रहे हैं, तो इसीलिए बोला था मैं। गुड न्यूज़ तो है लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि खुश ज़्यादा हुआ जाए कि स्लैट हो ज़्यादा हुआ जाए। तो सेम फीलिंग उसको भी है, कुछ दो वर्ड के लिए सेम फीलिंग मेरे को भी है। पता नहीं खुश रहूँ कि दुखी हो जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। और इन लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इन लोग भी पता नहीं अंदर से खुश हैं मैं जा रहा हूँ करके कि दुखी हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और नए जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आते रहना, हम लोग कहीं भूल मत जाना। बिल्कुल आते रहना। जल्दी से रिजर्वेशन देकर जाओ तो आपके रूम में मैं शिफ्ट हो जाऊँ कम से कम। ठीक है ना, बात कर। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ मैं। साइड कर देंगे। तो दोस्तों आज अमित सर के घर से बहुत सारी टेस्टी टेस्टी डिशेज आई हैं। हमारी जो भाभी हैं, अमित सर के सर की भाभी जो हमारी भी भाभी हैं, वो बहुत सारा स्पेशल खाना बना के भेजते हैं हमारे टिफिन में। ये है अमित सर और आज आया है छोले, और ये है रायता एंड पुलाव एंड पूड़ी, और ये सिन्हा सर के घर से आया है रोटी। और क्या स्पेशल सब्जी लाया सर आज? लास्ट डे सब्जी आलू मटर की सब्जी है। लास्ट डे लाए हैं आलू मटर की सब्जी। तो अब अभी हम करेंगे लंच, और ऐसा भंडारा होते रहता है हमारे यहाँ। थैंक यू भाभी, ऐसा हमको डेली खिलाया करो। हमारा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं दोस्तों। सिन्हा सर अपने जाने की खुशी में हमको आइसक्रीम की पार्टी दे रहे हैं। ये सिन्हा सर, ये अमित सर, और ये है आइसक्रीम की पार्टी। तो हम लोग आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। स्कूल वालों के लिए मिठाई लेके भी जाना है, तो पहले आइसक्रीम इंजॉय कर लेते हैं फिर मिठाई लेंगे। हमारे मैम का मुंह मीठा कराकर शुरुआत करते हुए स्टोरी में लगा दूंगी। आज हमारे सिन्हा सर का फेयरवेल है, तो हम मिठाई खिला कर सबको। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं बालोद, और आज हमारे एक साथी को हमने अलविदा कहा। उनका जैसा कि बताया था एक दूसरे सीजीएस में सिलेक्शन हो गया है एज अ मैथ टीचर। तो आज मन थोड़ा भारी लग रहा है। पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ में थे, साथ में घूमते थे, साथ में स्कूल जाते थे, और दिन भर मतलब साथ में ही रहना होता था। बीच में पहले शुरू में अप डाउन करते थे घर से, उसके बाद फिर साथ में रहते थे एक ही घर में, हम लोग रूम शेयर करते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर वो अलग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे। फिर साथ में आना रहता था, शाम को हम लोग वॉक पे जाया करते थे, साथ में खाने पीने जाया करते थे, घूमना फिरा करते थे। तो बस वही है, अब लाइफ है, सब अपने लाइफ में आगे बढ़ना रहता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल जाती है लाइफ में तो हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही आज वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं। तो हमारी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट न्यू जर्नी के लिए, और बढ़िया से अपनी लाइफ इंजॉय करें आगे की।
तो दोस्तों आज सिन्नासर का मन था हम लोग गढ़ किले में डिनर करें, तो मैं आ गया हूँ, सिन्नासर भी आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं, आज क्या बना है पता करते हैं पहले, उसके बाद डिनर करेंगे आज गढ़ किले में। आपको दिखाते हैं आज क्या क्या बना हुआ है और क्या है आज के डिनर का मेन्यू। मेन्यू पता करने गए हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गढ़ किला 50 रुपीज़ पर थाली, 40 रुपीज़ का इंक्रीज कर दिया लगता है महंगाई को देखते हुए। क्या क्या है मेन्यू में? हाँ भाजी, क्या खाएगा? आलू भुजिया खा ले, रोटी 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 आज रोटी खाएंगे हम लोग और आलू भुजिया खाएंगे। इधर इधर किचन है यहाँ का, तो आज बनी है आलू भुजिया और खट्टा भाजी की सब्जी। हम लोग खाने वाले हैं आलू भुजिया और रोटी। आज आए एक बार ऑर्डर कर दिए हैं, फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है आपका टेस्ट। तो वैसे हम लोग अक्सर खाते हैं यहाँ पर और आज भी हम लोग को मन किया कि आज खा लेते हैं बाहर, तो आज यहाँ आ गए खाने। इसमें है रोटी, पापड़, अचार, आलू की सब्जी, दाल, कभी सेम है। अब टेस्ट कर बताते हैं कि इसका कैसा है, उसका रिव्यू बताएंगे आपको। हो चुका है हमारा डिनर और अच्छा था आज का, रोटी था उसमें और सब्ज़ी भी ठीक था, नमक दाल में थोड़ा नमक कम था बस, बाकी अच्छा था। तो उन लोग थोड़ा कम ही डालते हैं उसे पब्लिक टेस्ट में, और खाना बढ़िया रहता है, घर का खाना टाइप का। तो आप कभी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हो गया हमारा डिनर, बहुत देर तक हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, वॉक किए यहाँ पर हमारे फेवरेट प्लेस पर एक लास्ट बार। तो अब फाइनल गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, सर को मिस करेंगे, सर को हम लोग बहुत। मैं भी मिस करने वाला हूँ सबको सबको सबको। तो बोले तो रहे हैं कि बीच में मिलने आएंगे, अब देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। आऊँगा 100% 110% आऊँगा, बस लोग बुलाएं प्यार से। बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा बुलाएंगे ही। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। तो दोस्तों एक चीज़ बच गया था, कुल्फी खाना। तो कुल्फी खाने के लिए आ चुके हम लोग, रात को भी 10 बज रहे हैं, फाइनली कुल्फी आज खा लेते हैं। ये बहुत टेस्टी कुल्फी रहता है, बालों से मिलता है ये, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो अब फाइनल बाय बाय, हम लोग कुल्फी इन्जॉय करते हैं, आप लोग ये ब्लॉग इन्जॉय करो, बाय बाय।